चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ CCL को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था 19 मई 2024 को, जो बोर्ड की ऑर्डर थी उसको जमानत देने की, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ये एप्लीकेशन मूव किया था। उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने हमारा जो कहना था, जो लॉ पॉइंट पे जो एकेडमिकली जो कहना है वो रिकॉर्ड पे रखा हुआ है। आज उसके ऊपर बहस हुई, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स हुए, दोनों साइड से साइटेशंस कोट किए गए बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद नतीजा ये आया है कि ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इनको 5 जून 2024 तक एक रिहैबिलिटेशन होम इसमें रखने का आदेश दिया हुआ है। इस दौरान उनका पूरा एक पैरामीटर सेट किए हुए कि इस 15 दिनों में इन्होंने क्या करना है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ में। उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, जो भी उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी उसको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ उसके ठीक करने की, उसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हुए। वो सारे डायरेक्शंस कल हम बता पाएंगे, क्योंकि आज स्पीकिंग ऑर्डर या रिटन ऑर्डर नहीं हुई, आज एक ऑपरेटिव पार्ट ऑफ ऑर्डर हुआ है। जब ऑर्डर हमारे हाथ में आएगी सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे।